नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है और मैंने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब ये तपन शर्मा कौन है, तपन शर्मा क्या करता है और मैंने विधायक जैसा एक बड़ा चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, इसके बारे में मैं आगामी वीडियोस के माध्यम से आपको सूचित करता रहूंगा। परंतु आज मैं सिर्फ आपसे वही बात करना चाहता हूं जो थोड़ी सी जरूरी है। देखिए, ना तो मैं किसी करोड़पति या अरबपति परिवार से संबंध रखता हूं और ना ही मैं किसी बड़े नेता का रिश्तेदार या उसका कृपा पात्र हूं। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेरे जैसे तुच्छ साधारण व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाना मुश्किल है। इसलिए मैंने ये चुनाव निर्दलीय, इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र तरीके से लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है और आंकड़े भी यही कहते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना लगभग असंभव है। मैं संभव पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं भरतपुर का एक युवा हूं और अगर मैं असंभव से डर गया और पीछे हट गया तो फिर मैं युवा कैसा, किस काम का युवा? यदि मेरे आराध्य भगवान श्री राम यदि असंभव से डर जाते तो क्या वे समुद्र को पाट कर राम सेतु बना पाते? यदि दशरथ मांझी असंभव से डर जाते तो क्या वे एकमात्र छेनी और हथौड़ी के माध्यम से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना पाते? यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असंभव से डर जाते तो क्या वे मजदूरों को, गरीब और समाज के दलितों को उनका खोया हुआ सम्मान दिला पाते? तपन शर्मा असंभव से नहीं डरता है। क्या आप असंभव से डरते हैं? यदि आपको लगता है कि संसार में कोई भी कार्य असंभव है तो आप स्वयं को भरतपुर का नागरिक मत कहना, क्योंकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने बार बार असंभव को पुनः परिभाषित किया है। हमने अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और अपनी अलग सोच के कारण असंभव को संभव करके पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मेरे भरतपुर का गौरवशाली इतिहास मुझे असंभव के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। पूरे संसार का ये मानना था कि मैदानों में सुरक्षित किले बना पाना लगभग असंभव है, परंतु हमने ना सिर्फ किले बनाए बल्कि हमने ऐसे किले बनाए जिनको कभी कोई भेद नहीं पाया और भरतपुर हमेशा आजाद ही रहा। तो जो भरतपुर हमेशा आजाद रहा, इंडिपेंडेंट रहा, उस भरतपुर शहर से किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आने की संभावना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। और वैसे भी लोकतंत्र की असल परिभाषा को एक निर्दलीय प्रत्याशी ही साकार करता है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता पर, जनता के द्वारा शासन, ना कि किसी राजनैतिक पार्टी या राजनैतिक पार्टियों के समूह के द्वारा शासन, ना कि किसी पूंजीपति के द्वारा शासन, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति का शासन जो आजीवन अधिकारी बनकर रहा हो और बाद में किसी मुख्यमंत्री का एक विशेष कृपा पात्र बन गया हो। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है उनमें से एक भी संसाधन मेरे पास नहीं है। साथ में मेरे दोस्तों का मानना है कि राजनीति जैसे पेचीदा क्षेत्र में कदम रखने के लिए मैं अत्यधिक सीधा भोला या सामान्य हूँ। मेरे पास चुनाव प्रचार करने के लिए नोटों की गड्डियाँ नहीं है। लेकिन यदि आप हरी कृपा के साथ में सत्य, प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, कला और उम्मीद को यदि आप धन के रूप में मानते हैं तो वह मेरे पास अपार मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सच्चाई और मेरी मासूमियत मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रहे, ताकत मासूम भी हो सकती है। खैर, ऐसा भी नहीं है कि ये फैसला मैंने अत्यधिक उत्तेजना या जोश में आकर ले लिया है। हकीकत तो ये है कि इस फैसले को लेने का फैसला लेना ही मेरे लिए बड़ी हिम्मत का कार्य था। यकीन मानिए, स्वयं से एक युद्ध जीत कर आया हूं, तब ये वीडियो बनाने की हिम्मत मैं आपके सामने कर पा रहा हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनता को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मैं बिल्कुल खोखला होता तो विधायक जैसे बड़े चुनाव में खड़े होने की सोचता भी नहीं। मेरे पास जनता को देने के लिए एक ऐसी ताकत है जो ताकत देने की औकात भारत तो क्या विश्व के किसी नेता में नहीं है। तो ऐसा कौन सा वादा है जो मैं आपसे करने वाला हूँ जिसके बाद पूरे विश्व में राजनीतिक क्रांति भी आ सकती है, ये जानने के लिए आप लोगों को मुझसे जुड़ना होगा। देखिए, मेरे पास बहुत अधिक पैसा नहीं है और सोशल मीडिया ही वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरी जो सोशल मीडिया की लिंक्स है मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, जिसमें मेरा फेसबुक पेज, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा व्हाट्सएप और अन्य लिंक्स भी होंगी। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक पोस्ट कर दूंगा। साथ में अगर आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके शेयर करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड लिंक भी मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस वीडियो को आगे बढ़ा देना, शेयर कर देना। नमस्कार। जिंदाबाद है, आबाद है और आबाद है, इरेगो ऐसो काम करे जो मान बड़े बर्बाद कतई नहीं होगो। जाको नाम भरतपुर गर्व करे, ना फर्क परे कहूँ आवे की ना जावे की, का गरज परे का रहेगो जयपुर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जो ना देखे का है गो अपना भरतपुर है। हम फकर करें या धरती पे जो जन्म लियो तो ठाकुर जी को नमन करें, हम शुक्र करें जो पढ़वे कुबा।